हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। तो गाइस, पाइथन के आज की वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर की बात करेंगे। अपने पहले की वीडियोस में हम लोग मोड्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग और इसके अलावा जो बेसिक पाइथन की डिटेल्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज की वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इनको हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि वेरिएबल्स का एक मेन रोल होता है, क्योंकि बिना वेरिएबल्स के हम किसी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं। और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं या फंक्शन नेम होते हैं। यानी कि अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे एरे है, फंक्शन नेम है, मॉड्यूल्स है, क्लास है, उसकी नेमिंग को डिफाइन करने के लिए आइडेंटिफायर्स एक मेन रोल अदा करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पाइथन के वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। हम लोग जब सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ते हैं, तो वेरिएबल्स हर एक लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए डेटा टाइप को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना डेटा टाइप के हम किसी वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन पाइथन वेरिएबल्स नेम हम लोग देते हैं और वेरिएबल्स हमारे डायरेक्टली वर्क करते हैं विदाउट डेटा टाइप, जिसके बारे में हम लोग जब डेटा टाइप पढ़ेंगे उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये हमारे पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के नेम होते हैं। यानी अगर हमें 10 स्टोर करना है, 20 स्टोर करना है, तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। यानी किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं, और इसको स्टोर करने के लिए जब तक हम वेरिएबल नहीं लेते हैं, तब तक किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी रिजर्व नहीं हो सकती है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर भी एक चेयर रखी हुई है और उस चेयर के ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है, तो उस बंदे ने उस जगह को रिजर्व कर रखा है। यानी कि वो पर्टिकुलर बंदा उस चेयर पर बैठा है, यानी कि जिस समय पर वो बंदा बैठा हुआ है उस पर कोई और दूसरा बंदा नहीं बैठ सकता। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ए इज इक्वल टू 10 किया है, तो जो हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यानी 10 वैल्यू ने ए को रिजर्व कर लिया, यानी मेमोरी हमारी रिजर्व हो रही है फॉर द ए वेरिएबल टू स्टोर द वैल्यू ऑफ 10। इन पाइथन देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि पाइथन में हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज द इंटरप्रेटर एलोकेट्स मेमोरी। क्योंकि हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारी मेमोरी को एलोकेट करता है एंड डिसाइड्स व्हाट कैन बी स्टोर्ड इन द रिजर्व मेमोरी, और वो वैल्यू के हिसाब से ही वो हमारी रिजर्व मेमोरी करता है। यानी कि वैल्यू के हिसाब से ही वो मेमोरी में अपनी वैल्यू को स्टोर कर देता है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम डेटा टाइप को स्पेसिफाई करें किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए या वेरिएबल को देने के लिए। इन वेरिएबल्स नेम बोथ लेटर्स एंड डिजिट्स कैन बी यूज्ड। यानी कि जब भी हम वेरिएबल का नाम देंगे तो हमेशा लेटर्स और डिजिट्स का ही यूज़ करेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, इस तरीके से हम वेरिएबल नेम देते हैं, या फिर लेटर वन, लेटर टू, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एड्रेस वन, एड्रेस टू, एड्रेस थ्री का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर लेटर्स के साथ में डिजिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट दे हैव टू बिगिन विद अ लेटर और एन अंडर स्कोर। जब भी हम वेरिएबल का नाम देंगे तो मोस्टली हम लोग ये ट्राई करेंगे कि हम लोग लेटर से शुरू करें या फिर अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर सिंबल के रूप में हम लोग केवल और केवल अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। यानी एट द रेट है, कुछ भी आप यहाँ पर इसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते हैं। एम परसेंट, राउंड ब्रैकेट या डॉलर, कुछ भी, मतलब आप अगर यूज़ करना है तो केवल और केवल अंडरस्कोर का ही यूज़ करना है। इसके अलावा कोई और स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है? लेटर्स एंड अंडरस्कोर से आप किसी भी वेरिएबल नेम की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाइथन के जो आइडेंटिफायर होते हैं वो क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स बेसिकली होते क्या हैं? एन आइडेंटिफायर इज़ अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो आपके आइडेंटिफायर होते हैं वो एक प्रकार से नेम होते हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए,
क्लास को डिफाइन करने के लिए मॉड्यूल्स अगर हम बनाते हैं या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स, यानी बेसिकली आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, यानी कोई भी चीज़ का एक नाम देना, कोई भी नाम स्पेसिफाई करना। जैसे अगर हमें नाम यूज़ करना है, जैसे हमें लिखना है राम, तो राम क्या है, एक नेम है, तो नेम क्या है, एक वेरिएबल नेम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर, यानी वेरिएबल भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है आइडेंटिफायर का। तो किसी भी चीज़ के नेमिंग करने को हम क्या बोलते हैं कि दैट इज़ अ आइडेंटिफायर। एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद ए लेटर, अब देखिए आइडेंटिफायर जिसे मैंने बताया वेरिएबल्स नेम हमेशा शुरू होते हैं आपके लेटर्स से, यानी कि ए टू जेड कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, और एन अंडर स्कोर फॉलोड बाई जीरो और मोर लेटर्स अंडर स्कोर एंड डिजिट्स। यानी कि आप यहाँ पर बेसिकली कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, अंडर स्कोर साइन, यानी आप यहाँ पर जीरो भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा मोर लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, मोर लेटर्स में ए टू जेड या कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड का यूज़ कर सकते हैं, अंडर स्कोर या कोई डिजिट, यानी जीरो से लेकर नाइन तक की डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। नेमिंग कन्वेंशंस फॉर एन आइडेंटिफायर, जब आइडेंटिफायर आप देते हैं, यानी जब भी आप कोई भी नेमिंग देंगे तो हम उसमें उसकी नेमिंग को कैसे यूज़ करेंगे, उसके क्या नियम होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडर स्कोर। जब भी हम आइडेंटिफायर की नेमिंग करेंगे, चाहे हम क्लास का नाम दें, चाहे हम मॉड्यूल का नाम दें, चाहे हम फंक्शन का नाम दें, वेरिएबल का नाम दें, हमें फर्स्ट लेटर हमेशा अल्फाबेट से शुरू करना है, या फिर अंडर स्कोर भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लास नेम स्टार्ट्स विद एन अपर केस लेटर, देखिए क्या होता है, किसी भी चीज को यूनिक बनाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको हम लोग अगर हम स्पेशली अगर हम अपर केस में यूज करें तो वो चीज अलग से ही दिखाई देती है। तो अगर आप चाहें तो क्लास का नाम आप अपर केस से शुरुआत कर सकते हैं। ऑल अदर आइडेंटिफायर्स स्टार्ट विद ए लोअर केस लेटर, तो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर आप उसको जैसे हम लोग क्लास वगैरह बनाते हैं जावा में, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो क्लास का नाम दे कैपिटल में यूटिलाइज करें, तो ये चीज़ क्या होती है कि ये थोड़ा सा अलग से दिखाई देता है, बिल्कुल उसको मतलब सेपरेट दिखाई देता है, एक आई कॉन्टैक्ट हो जाता है कि अच्छा ये क्लास का नाम है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप उसे अपर केस में यूज़ करें, और जितने और अदर्स आइडेंटिफायर्स होते हैं जैसे मॉड्यूल है, आप फंक्शन नाम लेते हैं, तो कोई भी चीज़ आप यूज़ करना चाहें तो लोअर केस लेटर से शुरू कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस, तो स्पेसेस आर नॉट अलाउड। जैसे अगर हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में हम स्पेस ना दे करके वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज़ एनी स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे आपको एट द रेट है, हैश, मतलब आपके पास जो ये सिंबल्स दिए हुए हैं मैंने, इनका यूज़ नहीं कर सकते, डॉलर यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्लस माइनस, मतलब कोई भी सिंबल आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है एक्सेप्ट अंडर स्कोर साइन, यानी केवल और केवल स्पेशल कैरेक्टर में आप क्या यूज़ करेंगे, अंडर स्कोर साइन यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पर आप वाइट स्पेस यानी स्पेसिस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं स्पेसेस आर नॉट अलाउड, और स्पेशल कैरेक्टर्स में केवल और केवल अंडर स्कोर साइन ही यूज़ करना है। वी कैन नॉट यूज़ रिजर्व्ड कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर, रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो मेमोरी के लिए रिजर्व होते हैं या जिनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है, उस मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा में पढ़ते हैं कि जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे इंट कैर फ्लोट डबल वाइट, इस तरीके से आपके रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जैसे एफ है एल्स है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उन्हें एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो पहले से ही रिजर्व हैं। रिजर्व का मतलब है कि वो पहले से ही उसकी मीनिंग फिक्स है, उस फिक्स मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, जैसे नॉर्मली होता है कि वेरिएबल्स नेम केस सेंसिटिव होता है या फंक्शन नेम, यानी कोई भी चीज़ आप अगर नेमिंग कर रहे हैं तो उसे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपर केस में दे रहे हैं या फिर लोअर केस में दे रहे हैं। जैसे अगर हम आइडेंटिफायर का नाम देते हैं हेलो या कैपिटल में लिखते हैं हेलो, तो दे आर नॉट सेम। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अपर केस एंड लोअर केस
आर डिफरेंट, यानी यहाँ पर अगर आप कोई भी वेरिएबल लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम कैपिटल में लिखते हैं या फिर नेम स्मॉल में लिखते हैं, तो बोथ आर डिफरेंट। तो केस सेंसिटिव आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि नेमिंग में हमेशा जिस तरीके से आप वेरिएबल लेते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विद ए सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर, यानी अगर आप यहाँ पर किसी भी आइडेंटिफायर को यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगाते हुए, इंडिकेट्स दैट आइडेंटिफायर्स इज प्राइवेट। देखिए यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक दो तरीके के यहाँ पर आपके ये रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ तक आपके वर्क करेंगे। जैसे फंक्शंस में हम लोग इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो प्राइवेट हैं कि पब्लिक हैं। प्राइवेट का मतलब होता है विद इन फंक्शन होता है, पब्लिक का मतलब होता है कि ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में आप उस वेरिएबल्स का यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल्स को या किसी भी क्लास को अगर हम यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस देना चाहते हैं या प्राइवेट बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग एंड आइडेंटिफायर विद टू लीडिंग अंडरस्कोर्स इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्गली प्राइवेट आइडेंटिफायर, यानी अगर आपने किसी भी आइडेंटिफायर में स्टार्टिंग में दो अंडरस्कोर्स लगाए हुए हैं, जैसे मैंने नेम के पहले टू टाइम्स अंडरस्कोर लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या है स्ट्रॉन्गली प्राइवेट आइडेंटिफायर। यानी स्ट्रॉन्गली का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्गली ये प्राइवेट आइडेंटिफायर्स, यानी कि वी कैन नॉट एक्सेस दैट आइडेंटिफायर इन टू अदर फंक्शंस या इन टू अनदर लोकेशंस। If the identifier starts and ends with two underscores, then identifier is a language defined special name. यानी कि अगर आपके identifier start and ends with two underscores, यानी अगर दो बार आपने underscore का use किया है starting में और end में, then the identifier is a language defined special name. यानी उसकी एक particular special meaning हो जाती है। It is also known as magic मैथड्स, यानी कि एक प्रकार से वो मैजिक मैथड्स हो जाता है, यानी एक स्पेशल नेम हो जाता है कि एक स्पेशल नाम हो गया कि हमने किसी भी आइडेंटिफायर को एक स्पेशल मैथड प्रोवाइड किया है। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर आप किसी भी वेरिएबल नेम को या फिर किसी भी मैथड को, फंक्शन को, क्लास को, मॉड्यूल्स को अगर आप कोई भी नेमिंग करना चाहते हैं, तो आपको इन सारे नियमों को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैजिक मेथड का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे दो यहाँ पर अंडरस्कोर लगे हुए हैं, ये ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पर दो अंडरस्कोर दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स नेम है उसमें अपने रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या किसी वैल्यू को असाइन करते हैं तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। Python variables do not need explicit declaration to reserve memory space. जैसे मैंने अभी बताया कि जो variables होते हैं वो क्या करते हैं, explicit declaration नहीं demand करते हैं, यानी अगर हमें किसी variable को देना है तो मैंने यहाँ पर दे दिया a is equals to 10 और b is equals to 20, तो directly ये काम करते हैं। यहाँ पर हमें explicitly यहाँ पर int, char, float, double देने की requirement नहीं है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इट इज़ अ नेम टू स्टोर द वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, टू रिजर्व मेमोरी स्पेस। देयर इज़ नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल एक्सप्लिसिटली, यानी यहाँ पर हमें वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली देने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन वी असाइन एनी वैल्यू टू द वेरिएबल, जब भी हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, दैट वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड ऑटोमेटिकली, यानी कि वो वेरिएबल्स हमारे ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि वेरिएबल्स में डायरेक्टली आप वैल्यू दे दीजिए, ये अपने आप से काम करेंगे जब भी आप किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं। द इक्वल ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, जब भी आप किसी भी वैल्यू को असाइन करें तो इक्वल टू साइन ज़रूरी होता है, यानी जैसे हमने दिया a इज इक्वल्स टू 10, तो इक्वल टू साइन जो है वो मस्ट होता है किसी भी वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए। आप कैसे यूज़ करते हैं असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 10 का मतलब क्या है, ये आपका इंटीजर असाइनमेंट है। जैसे b इज इक्वल्स टू 2.28 दिया हुआ है तो ये आपका फ्लोट असाइनमेंट है। अगर आप यहाँ पर हेलो देते हैं तो ये आपका स्ट्रिंग असाइनमेंट, यानी डबल कोर्स में जो भी चीज़ आप देंगे वो आपकी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अगर आप फ्लोट में नहीं पॉइंट में देते हैं वो फ्लोट या डबल भी हो सकता है, या नॉर्मली अगर आप किसी वैल्यू को देते हो तो वो आपका इंटीजर असाइनमेंट है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट की।
वी कैन असाइन अ वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट, यानी कि एक सिंगल स्टेटमेंट में हम बहुत सारी वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट भी कहते हैं, जहाँ पर हमें केवल और केवल एक लाइन लिखनी पड़ती है और उस एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को यूज़ करके हम एक वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। वी कैन गिव मल्टीपल असाइनमेंट्स इन टू वे, जहाँ पर दो तरीके होते हैं जहाँ पर हम कई सारे जो वैल्यूज़ हैं उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। By assigning a single value to multiple variables, यानी अगर हम देना चाहें तो एक सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं, या फिर assigning multiple values to multiple variables, यानी कई सारे वेरिएबल्स कई सारी वैल्यूज, या फिर अगर आपको एक वैल्यू कई सारे वेरिएबल्स में असाइन करनी है तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो तरीके यूज करते हैं, कैसे करेंगे? Assigning single value to multiple variables, कैसे देना है इसको? देखिए ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 50, यानी यहाँ पर तीनों वेरिएबल्स में आपको 50 ही वैल्यू मिलेगी, यानी x में 50 मिलेगा, y में 50 मिलेगा और z में भी 50 ही मिलेगा। तो यहाँ से आपने प्रिंट x किया, प्रिंट y किया, प्रिंट z किया। प्रिंट एक फंक्शन होता है, प्रिंट एक फंक्शन होता है जिसके द्वारा हम किसी भी स्ट्रिंग को, किसी फ्लोटिंग वैल्यू को या किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट एक्स का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 50 देगा, वाई प्रिंट कराएंगे तो 50 देगा और जेड प्रिंट कराएंगे तो 50 ही देगा। तो इस तरीके से आप सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स में एक सिंगल वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कई सारे वेरिएबल्स में अगर हम कई सारी वैल्यूज़ को असाइन करें तो कैसे करेंगे? ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी यहाँ पर आपने कॉमा का यूज़ किया है, इज इक्वल्स टू 5, 10, 15, यानी कि ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 15। तो इस तरीके से ये मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो जैसे प्रिंट ए किया तो ए की वैल्यू 5 आएगी, बी की वैल्यू 10 आएगी और सी की वैल्यू क्या आएगी? 15 होगी। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक सिंगल स्टेटमेंट के द्वारा एक जो मतलब एक वैल्यू को आप मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं या मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज में स्टोर कर सकते हैं। तो द वैल्यूज़ विल बी असाइंड इन ऑर्डर इन विच वेरिएबल्स अपीयर्स, जिस तरीके से जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी स्पेसिफाई होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी आज आइडेंटिफायर्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन किया है। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर जो पाइथन में हम लोग यूज़ करेंगे उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये पाइथन के वीडियो जो हैं जो मैं बना रही हूँ ये बेसिकली हम ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए ही बना रहे हैं, ताकि जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो इसको पढ़ करके या इसको देख करके लाभान्वित हो पाएँ और आगे जल्दी इसमें जो भी चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगी कि ओ लेवल में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करके आपको जल्दी ही सेंड करूँ। तो आगे जल्दी ही नया वीडियो लेकर के आऊँगी। टिल देन गुड बाय।